हम दिल्ली के मुखर्जी नगर में हैं, जहाँ दिल और दिमाग खाली पढ़ाई का बात करता है, जहाँ लगन और मेहनत के आगे तकदीर भी झुक जाती है, जहाँ जुनून और संघर्ष के आगे सपने भी घुटने टेक देते हैं, जहाँ लड़का लोग जीने के लिए ऑक्सीजन से पहले दुनिया में होने वाली घटनाओं को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है, जहाँ एक लड़का एक एक रुपये बटोर के फोटोकॉपी कराता है और उधार मिली हुई किताब पढ़ के कलेक्टर बनता है। बीड़ी सिगरेट से ज़्यादा आईएस का नशा है यहाँ, और हम भी वही नशा में 4 साल से अपन दासा बिगाड़ रखे हैं। कपड़ा कम किताब ज़्यादा बदलते हैं। देखिए, आईएस जो है पंचवर्षीय योजना है, बिरबल के खिचड़ी जैसे, लेकिन यह 5 साल में मुखर्जी नगर में यह समझ में नहीं आ रहा है कि बिरबल कहाँ है और खिचड़ी कहाँ पकाना है। मुखर्जी नगर में खाली दिन है, ऐजा रात नहीं होता, ऐजा सपना देखा नहीं जाता, उसको जिया जाता है। रात में पार्टी नहीं, एनसीईआरटी चलता है यहाँ। गांव में लोग कहते हैं कि परती खेत और कुंवार लड़का को ढेर दिन नहीं रखना चाहिए, जोत देना चाहिए, और हम भी ये मुखर्जी नगर में 5 साल से नौहारवा हर से जोता रहे हैं। अब तो बहुमाई को भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, उनको लग रहा है कि हम गोईठा में घ्यू घस रहे हैं। अभी जस्ट एक ही हफ्ता हुआ है, व्हाट्सएप पे एक सुंदर कन्या का फोटो सेंड करके हमारा ऑनलाइन इंगेजमेंट सेट कर दिया। अब देखिए ना, ये दिल्ली में ना दिले लग रहा है ना दिमाग है, ये दिमाग एकदम 360 के अपोजिट हो गया है। 24 घंटे के समय में अब उनके लिए एक्स्ट्रा 25वां घंटा खोजना पड़ रहा है, क्या करें। क्लास से आते हैं, जूता खोले से पहले व्हाट्सएप खोल देते हैं कि शायद उनका गुड मॉर्निंग वाला मैसेज आया होगा 2 गुलाब के साथ। देखिए, हमारा टाइम तो कोचिंग क्लास करते करते निकल जाता है, बाकी बेचारी वो क्या करे, उसकी क्या गलती है। बस यही कि उसका शादी है वो पढ़ने लिखने वाला लड़का से सेट हो गया है, जिसको फुर्सत ही नहीं है, जो 5 मिनट प्यार की बात ना करके दिन भर इतिहास बोल की बात करता है। ई कोचिंग से वो कोचिंग, ई क्लास से वो क्लास करते करते इतना इंगेज हो गया है कि वो भूल गया है कि उसका इंगेजमेंट हो गया है। अब वो अकेले नहीं है, उसका भी कोई है जो बिना जिक्र किए इतना फिक्र करता है। आईएस और इंगेजमेंट दोनों 2 गो चीज़ है, एगो उत्तरी ध्रुव एगो दक्षिणी ध्रुव। हर तैयारी करने वाला लड़का बस यही सोचता है कि बस 1 साल का तो बात है, होली दशहरा तो हर साल आता है, ये करियर बार बार थोड़ी आता है। और वो लड़का ये होली दशहरा का त्याग करते करते अपन हर चीज़ का त्याग कर देता है। वो ये भूल जाता है कि उसके इंतज़ार में दिल्ली से 1000 किलोमीटर दूर कोई है जो मोबाइल को 4 टाइम चेक करता है कि आज उनके मैसेज का रिप्लाई आया होगा। हम तो कहते हैं कि इसमें उस बेचारी का कोई दोष नहीं है, सभी लड़की की तरह उसका भी मन है कि ब्याह से पहले वो भी रिंकिया पिंकिया जैसा अपन दुल्हा से दिन भर बात करे। उसको तो यही लगता है, दुल्हा जो होता है खलिहर होता है, खाली बात करने के लिए होता है। उसके भी मन में आता होगा कि इनको अभी पढ़ना था इंगेजमेंट के बाद, इतना दिन से क्या कर रहे थे, जिंदगी भर पढ़ते रहेंगे। अब हम क्या कहें, यह मुखर्जी नगर में हम देखे हैं कि कितना आईएएस और यूपीएससी की तैयारी करने वाला लड़का 5 साल में ना तो दुल्हे बनने के लायक रह जाता है ना आईएएस। जोरबाग कनॉट पैलेस को त्याग करके दूर कहीं नेशनल म्यूजियम में गूगल पर मुगल साम्राज्य खोजता फिर रहा है। भूगोल की तरह यूपीएससी की तैयारी करने वाले लड़के में भी समय बीतने पर संरचनात्मक परिवर्तन होता है, माने स्ट्रक्चरल चेंजेस। उसके कपार का सुंदर वन एक पठार का रूप लेने लगता है, ये पेट पृथ्वी की तरह अंडाकार हो जाता है और दाढ़ी के जगह सावन की घास उगाती है, और चेहरा कलहारी मरुस्थल जैसा उदास हो जाता है। आईएएस का तैयारी करते करते लड़का कब बिन बिया किए दुल्हा से भसुर बन जाता है ये वो भी नहीं जानता है। अब लड़का क्या करे, उसको तो यही लगता है कि 30 साल पढ़ाई करके वो 1 साल के लिए अपना कैरियर काहे खराब करे। का लड़का को चीनी तीत लगता है, का लड़का का मन नहीं है कि अपन होखे वाले मेहरारू से वो भी दिन भर बात करे। किताब और कलम के बीच में प्रेम का तब जाना क्या होता है वो लड़के बूझता है। ऑप्शनल के चक्कर में अपन ऑप्शनल का छूट जाना क्या होता है वो लड़के समझता है। पढ़ाई और प्यार के बीच में इसे टूटता है कि फिर जुट ही नहीं पाता है। ये लड़की सब आग से रोती है, बाकी एगो लड़का दिल से रोता है। अब घर वाला लोगों को कौन समझाएगी कंसंट्रेशन और फोकस नाम की भी कोई चीज़ होती है,
वो लड़की के लिए एक्स्ट्रा 25वां घंटा जब ब्रह्मा ने नहीं बनाया तो हम कहाँ से लाते। सोचे थे कि प्रीमेंस और इंटरव्यू के बाद एंगेजमेंट होगा, लेकिन अब एंगेजमेंट के बाद प्रीमेंस और इंटरव्यू हमको बड़ा कठिन लग रहा था। लेकिन करे तो क्या करे, कहे कि अब हमको भी वो अफेयर का महादीप के मानचित्र में वो लड़की का चेहरा नजर आ रहा था। जैसे प्यार टाइप कुछ होता है ना, ठीक वैसे ही हो गया था। मन परेशान था और मंजिल दूर थी। मना करना भी ठीक नहीं लग रहा था और साथ देना भी नहीं। ये दिल और दिमाग एक दूसरे से लड़ रहे थे कि पहले करियर या पहले एंगेजमेंट। और बहुत हिम्मत जुटा के एक दिन फिर लड़ गए अपने घर वालों से अपने करियर के लिए, और बाबूजी को एंगेजमेंट के लिए मना कर दिया। फोन काटे तो दिल जोर जोर से धड़क रहा था, गला सूख रहा था। हम रोना नहीं चाहते थे, लेकिन पता नहीं काहे हमारे आँख का लोर एक साथ बाहर निकल रहा था। दिल टूट चुका था हमारा और दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, काहे कि अब सब कुछ खत्म हो चुका था। जानते हैं, अब ना उसका फोन आता है ना गुड मॉर्निंग वाला मैसेज, और ना ही हम एयरफोन लगा के कोचिंग क्लास करने जाते हैं। लेकिन आज भी जब वो अफेयर का महादीप के मंच देखते हैं ना, तो हमको उसमें उसका चेहरा नजर आ जाता है। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना।